गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवजोत सिंह है। आई एम अ फॉर्मर ऑफिसर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड एज यू ऑल नो वी आर स्टार्टिंग विद दिस पॉडकास्ट विद चैंपियन सीरीज। इन दिस सीरीज वी विल बी ब्रिंगिंग पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ हैविंग लिव्ड a life less ordinary, because friends, there is so much darkness around, so we need these lighthouses to show the world the path to enlightenment, the path to greater glory, the path to rising from the dark and desolate alleys of injustice to the sunlit path of justice. Friends, in this podcast series, what better would have it had been to start this podcast with one of the most important persons in my life, my mom, my mother. My mom, Sarabjit Kaur, she is a principal of Government High Secondary School, Dhok Khalsa. She has been serving for around 3 decades in the education department. And today, I would like to bring to you her experiences as an administrator, as an educationist, and as the most wonderful mother in this world. But before that, friends, I would like to introduce, dedicate a small poetry to my mom. And it goes like this. मैं मानता हूँ कि दुनिया में कोई भी रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानता हूँ कि दुनिया में कोई भी रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन मेरे दोस्त, मेरी माँ के बराबर कोई खड़ा नहीं होता। मेरी माँ के बराबर कोई खड़ा नहीं होता। मेरे इंतज़ार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे इंतज़ार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज़्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम कर मुकद्दर बदल देने का हुनर बस वही जानती है। माथा चूम कर मुकद्दर बदल देने का हुनर बस वही जानती है। मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ के देख ली। पहले पन्ने पर नाम सिर्फ माँ का ही आता है। पहले पन्ने पर नाम सिर्फ माँ का ही आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंट्रोड्यूसिंग टू यू माय मॉम सरबजीत कौर, एंड नाउ आई विल ओपन द फ्लोर टू हर। गुड इवनिंग मॉम। गुड इवनिंग जी। सो Mom, we are starting this podcast series with this zero podcast with you. So we would like you कि आप अपने experiences को हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें। आप अपने थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताएं मॉम, जो शायद हम भी नहीं जानते हैं और जो लोग जो सुन रहे हैं वो आपको सुन के उनके उनके अपने बारे में कुछ बताइए। ओके जी, मैं अपने बचपन के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जिस समय हम छोटे थे उस समय लड़कियों को पढ़ाई का कम ही रुझान था पेरेंट्स का कि लड़कियों को पढ़ाना है। हमारे समय में तो मैंने ऐसा भी देखा था कि लड़कियों को लोग खाना भी लड़कों के बाद में ही दिया करते थे। लेकिन मेरे पेरेंट्स की बहादुरी, मेरे पेरेंट्स का सेक्रीफाइस, जिन्होंने हम दोनों बहनों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा। हमारे गांव से मैक्सिमम जो बच्चे थे वो लड़के ही स्कूल में जाया करते थे, लेकिन मेरे फादर ने पहल की और हमें स्कूल में भेजा। तो स्कूल में भेजने का मेरे दिमाग में छोटे होते ही ये कंसेप्ट था कि शुक्र है मेरे पापा ने हमें स्कूल में भेजा, कोई लड़कियां कम ही जाती थी। तो मैंने उस चीज को सामने रखते हुए अपने जीवन को थोड़ा मेहनती बनाने की बचपन से ही कोशिश की है। हमेशा मैं सोचती थी कि मैं अपने घर का काम करके फिर मैं अपनी पढ़ाई को अंजाम दूं। मेरे मम्मा थोड़े बीमार ही रहते थे, तो अगर हम स्कूल नहीं जाएं तो घर का काम जो है वो कैसे चले। स्कूल का काम, घर का काम करने के बाद हम स्कूल में जाया करते थे। जैसे जैसे हमने 10वीं और 12वीं पास की तो पापा ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लोगों की बातें सुनने के बाद भी मुझे कॉलेज में भेजा। तो मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी शादी आपके पापा से हो गई। वो भी एक गाँव था, बड़ा ही पिछड़ा हुआ गांव था। मेरा गांव तो बिल्कुल सड़क के ऊपर था, लेकिन जो यहाँ मेरी शादी हुई वहां हमें काफी चल के जाना पड़ता था। तो पापा की मेहनत और मेरी मेहनत और आपके दादी दादू की मेहनत से हमने यहाँ तक पहुंचे हैं। जैसे भी श्रोताओं के बेनिफिट के लिए अपने
दोनों गांव का नाम बता सकते हैं ताकि उनको पता चलेगा? जी, मेरे गांव का बचपन के गांव का नाम बड़ियालीचक है और तहसील अखनूर है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में ही हम दोनों गांव हमारे पड़ते हैं। तो मेरे ससुराल का नाम नडीवाला है और वो भी तहसील अखनूर का ही गांव था उस समय। अब हमारी तहसील चेंज हो गई है, जो मेरा मंदिर है अभी, तो डिस्ट्रिक्ट जम्मू ही था हमारा। तो काफी कड़ी मेहनत के बाद आपके दादू जी ने और दादी जी ने अच्छी मेहनत करके अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की कोशिश की, आपके पापा को कॉलेज तक भेजा, और वो भी पढ़े थे और मैं भी पढ़ी थी। तो हमने अपनी फैमिली को आगे ले जाने के लिए काफी मेहनत की है। अगर मैं छोटी छोटी मेहनत आपको सुनाऊं तो उसमें काफी समय लग सकता है, लेकिन मैं अपने अपने दादी दादू आपके उनकी मेहनत के मुकाबले में मैंने तो मेहनत नहीं की है, लेकिन फिर भी अगर मैं सबको सुनाऊं कि मेहनत ही सभी सफलताओं की कुंजी है, तो हर एक इंसान को अपने टाइप से हर एक किस्म की मेहनत कर लेनी चाहिए। मैम, आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का जो आपने दादा दादी को देखा हो या आपके किसी बड़े को देखा होगा जिसने आपको बहुत प्रेरित किया हो लाइफ में, जो आपके जहन पे एक बहुत ही अभिन्न छाप छोड़ गया हो, तो ऐसा हमारे श्रोताओं को आप कुछ बताना चाहेंगे? जी बेटा, मेरे लाइफ में हमेशा मेरे दादू जी की, जो मेरे अपने दादू जी थे, उनकी बातें जो है वो हमेशा मेरे जहन में रहती है। वो हमें जब हम छोटे थे, जैसे हम 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, तो वो दूसरे गांव में रहते थे, हम दूसरे गांव में रहते थे। जब भी कभी दो दो तीन तीन महीने के लिए हमारे घर में आते थे तो हम उनसे कहानियां सुनते थे। उन्होंने मुझे रामायण, महाभारत, रूप बसंत की कहानियां और काफी जो हमारी सोशल कहानियां हैं, उन्होंने हमें महीना महीना लगाकर हमें वो कहानियां सिखाई हैं। और उनका कहना था कि हर एक इंसान को अपनी ईमानदारी के साथ काम करना है, और अगर आपका किसी ने कभी कोई हेल्प की है, इंसान तो छोड़ो, अगर आपको बड़ी गर्मी महसूस हो रही है और अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ी ठंडक महसूस करते हैं, तो उस पेड़ को भी आपने ताउम्र याद रखना होता है, उसकी भी नेकी जो है आपको याद होनी चाहिए। वो सारी चीजें मेरे जहन में इसी तरह है जिस प्रकार वो मुझे बातें सुनाते थे, और मैंने अपनी लाइफ में भी उसको प्रैक्टिकल लाने की कोशिश की है। ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक इंसान को इंसान ही समझा जाए, और गरीब अमीर सब बराबर हैं, सभी एक ही खून और हाड़ मास के बने हुए हैं, हम उनके साथ चले, उनकी देखभाल करें। बहुत 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 ज़बरदस्त बात मैम। आप थोड़े अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं और कैसे आपने अपनी एजुकेशनल टीचिंग लाइन में आए, थोड़ा उस बारे में ब्रीफली अगर आप श्रोताओं को बता सकते हैं तो। जी, जब मैंने ग्रेजुएशन की तब मुझे ऐसा ऐसा नहीं महसूस होता था कि मैं कभी टीचर लग पाऊंगी, लेकिन हमारी जब सिलेक्शन हुई तो टाउन वाइज हुई, तहसील वाइज हुई, तो फॉर्चुनेटली मेरा भी और आपके पापा का भी नाम उसमें आ गया। मुझे इतनी पता नहीं था कि मुझे इतनी मतलब एम्बिशन नहीं थी कि मैं कभी टीचर बनूंगी और अपने समाज को इतने 35 ईयर अपने समाज के लिए काम करूंगी। जब मैं टीचर लगी तो काफी मैंने बच्चों के साथ, मतलब मुझे बच्चे जो हैं वो आपके सिवाय, मुझे स्कूल के बच्चे जो हैं वो अपने बच्चे लगते थे। मैंने कभी आपके लिए कभी स्कूल में बैठ के सोचा नहीं, और घर में भी मैं जब आती हूँ तो फिर मुझे बच्चे, स्कूल वाले बच्चे ही याद रहते हैं। उनकी जो कमियां हैं, उनके लिए जो प्रोग्रेसिव मेरी सोच है, मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। ऐसे ही मैंने शुरू से ही रखा है कि जैसे स्कूल के बच्चे हैं वही हमारे घर के बच्चों की तरह उनको मैंने सोचा है हमेशा। मैम, एक आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों बच्चों की परवरिश में काफ़ी कमियां आ रही हैं और आजकल बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपके मुताबिक एक बच्चों की जो अपब्रिंगिंग होनी चाहिए उसमें आप क्या मानते हैं, किन किन चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है? देखो, मैं हमेशा हर महीने हमारे स्कूल में 26 एवरी मंथ हमारे यहाँ मीटिंग होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो मैं हर एक पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि हमेशा आप बच्चों के दोस्त बन जाओ, और बच्चों को बाहर झांकने की जरूरत ही नहीं महसूस हो। हमेशा आप बच्चों के साथ इतना क्लोज हो जाओ कि अगर आप आपके बच्चों को कोई बाहर परेशानी होती है तो वो सबसे पहले आपको आके बताएं। और साथ में मैं अपने बच्चों को यह भी बोलती हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो बच्चों का बिगड़ने का जो कारण है वो शायद हम बड़े भी हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है तो मदर्स ने काम करना होता है, वो अपने बच्चों को फोन देके उनको बिजी कर देती है। तो जब बच्चे छोटे होते हुए फोन में बिजी हैं तो फिर उनको एडिक्शन हो जाएगी, फिर वो फोन के बगैर रहना पसंद नहीं करेंगे और इरिटेट हो जाएंगे। और साथ में
जो जंक फूड है वो भी बच्चों को मैं अपने स्कूल में ऐसी मैंने रखा हुआ है कि अपने स्कूल के बच्चों को मैंने जंक फूड खाने से बड़ा दूर रखती हूँ। जैसे ये कुरकुरे हैं, नमक से भरे हुए जो आ रहे हैं, चिप्स वगैरह, ये वो सारी मैंने बच्चों को मना किया है, पेरेंट्स को मना किया है कि आप बच्चों को कम से कम दें, क्योंकि जितनी उनको जरूरत है नमक की, उनके अंदर वही नमक जाए तो बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। एक फोन और एक हमारी थोड़ी लापरवाही भी हो सकती है। पेरेंट्स तो सारे चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने तो उस किस्म की मेहनत उनको करनी पड़ेगी। और बच्चे जो हैं वो हमारे खुद के नहीं होते जिन्होंने जन्म दिया होता है, बच्चे समाज के होते हैं, बच्चे देश के होते हैं, और हमारी पेरेंट्स की और टीचर्स की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को उस तरीके से तैयार करें कि देश में वो अच्छे तरीके से काम आ सके, देश के और देश को अपने को आगे मैम, ले ये जा आपकी सके। बहुत बहुत बढ़िया बात लगी मुझे कि बच्चे किसी के नहीं होते, बच्चे समाज के होते हैं। तो हमें समझ सबको वो जिम्मेदारी जी समझना है कि कहीं भी कोई बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है उसको सही रास्ते पे लाएं, मोटिवेट करें। मैम, आपने बताया कि अपब्रिंगिंग के बारे में आपने बात की, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि आजकल आपके टाइम में जो रुझान था और आजकल जो रुझान है, कितना फर्क आ गया है और क्या चैलेंजेस बच्चे फेस कर रहे हैं आजकल, जब वो इस माहौल में पल बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है और इतना उनको सब कुछ इजीली अवेलेबल है। और दूसरा, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, पेरेंट्स के चैलेंजेस क्या हैं, वो ज़रा सा आप थोड़ा सा अगर हमें बताएं तो। पेरेंट्स के काफी चैलेंजेस हैं बच्चे। पेरेंट्स को फोन, जैसे मैं ही हूँ, मैं स्कूल की हेड हूँ, मुझे इतना फोन का मतलब नेट इसका इंटरनेट का पता नहीं चलता, फोन का पता नहीं चलता, तो मैं जैसे आपसे पूछ लेती हूँ, अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ, टीचर से पूछती हूँ। तो जो पेरेंट्स हैं बच्चों के खास करके, वो मैक्सिमम मुझे लगता है गाँव में तो अभी इतनी एजुकेशन आई नहीं है कि वो बच्चों को देखें कि फोन चला रहे हैं बच्चे तो कैसे चला रहे हैं। और फोन बच्चों ने जबरदस्ती, जैसे कोविड आया है तो पेंडेमिक के टाइम पे बच्चों की जरूरत बन गई थी कि फोन लेना, पेरेंट्स ने उधार उठा के भी बच्चों को फोन लेके दिए है। तो वो फोन जो है वो नेटवर्क जो वो मतलब जो है इसका फोन का नुकसान वो बच्चों को झेलना पड़ रहा है, वो पेरेंट्स के लिए काफी चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे फोन से दूर रहें, लेकिन बच्चे मतलब उनको दूर करना अब हमारे बस से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को उस तरीके से करें कि जैसे मेरे स्कूल में जो बच्चे होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आप जो फोन है वो चलाना है तो आप कोई टॉपिक निकालो, कोई आर्टिकल निकालो, कोई ऐसे निकालो, कोई अच्छी अच्छी चीजें निकालो और पढ़ो। अगर आप इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स ही देख रहे हैं, रील्स ही देख रहे हैं, तो वो भी कोई एजुकेशनल देखो, बाकी वाली आपको थोड़ा अपने आप को अवॉइड करनी चाहिए। तो पेरेंट्स को भी सुनाते रहते हैं कि आप बच्चों के साथ ज्यादा रहें और बच्चों को थोड़ा हेल्प करें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करें, कहानियां सुनाएं उनको और उनके साथ ज्यादा रहें। मैम, जो मॉरल डिक्लाइन की बात की आपने, इसमें हम देख रहे हैं कि बच्चों का जो एक मॉरलिटी थोड़ी सी घट रही है। पहले हम देखते थे कि बुज़ुर्गों के पांव छुआ करते थे बच्चे, एक आशीर्वाद देते थे, अभी वो एक कल्चर थोड़ा सा खत्म होता जा रहा है। और साथ में एक टीचर, एज अ टीचर क्या रोल है, एक टीचर का क्या रोल है इस वैल्यू को इम्बाइब करना स्टूडेंट्स में? देखो बच्चे, बच्चों को हम मतलब सिखाते हैं बच्चों को, जैसे मैंने जब भी किसी स्कूल में, मैं दूसरे स्कूल में ज्वाइन करती हूँ, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, तो सबसे पहले मुझे अपने आप को तैयार करना होता है कि मैं बच्चों के लिए एक मॉरल बन जाऊं। बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाना जो है, जैसे पेरेंट्स है, टीचर्स का सबसे बड़ा रोल है। तो टीचर्स जैसे जैसे भी, जैसे कोई घर में पेरेंट्स बच्चों को कहता है ना ये ठीक है क्वेश्चन, तो वो कहता है नहीं मेरे टीचर ने दिखाया जो सही होगा, तो अगर गलत भी होता है तो बच्चा उसको मतलब सही मानता है। तो हम टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी बन जाती है, बहुत बड़ी, कि हम बच्चों के सामने सामने मॉरल बन जाए। एक मॉरल वैल्यूज हमारे अंदर खुद होनी चाहिए, हम टाइम पे आए, बच्चों के साथ कैसी बात करें, क्लास में हम कैसा उनके साथ बिहेव करें, और बच्चों को हमेशा नजर में रखें अपने, और उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करें। अगर हम बच्चों के साथ उस तरह से चलते हैं तो फिर बच्चे जो हैं, मुझे जब कोई बच्चों के चैलेंज के बारे में बात करता है या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के बारे में बात करता है, तो मुझे लगता है कि मेरे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हैं उनमें मॉरल वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं बनिस्बत की दूसरे बच्चों के। तो फिर हमें टीचर्स को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम बच्चों को अपने मॉरल वैल्यूज भी दें और उनको खुद मॉरल मॉडल उनके सामने बन जाएं कि कैसा हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारे बोलने का ढंग कैसा है, हम किसी के साथ कैसे बात करते हैं, उसी तरह बच्चे भी हमसे सीख लेते हैं। बिल्कुल तो सही हमें बात, चाहिए कि हम खुद भी
अच्छा काम करें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अ टीचर कहते हैं वो इंग्लिश की एक कहावत है, अ टीचर इज लाइक अ कैंडल विच बर्न्स हियरसेल्फ एंड ब्राइटन्स द वर्ल्ड। तो टीचर का एक अध्यापक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे, पहले भी हमारे कल्चर में, हमारा रिच कल्चर रहा है, गुरुकुल्स में एक अच्छा एक कल्चर होता था। आजकल थोड़ा सा हम देख रहे हैं थोड़ा सा मॉरल डिक्लाइन हो रहा है, बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सही कहा आपने कि थोड़ा सा बच्चों को एक गाइड करने की भी ज़रूरत है, एक एग्जाम्पल की तरह बन के उनको दिखाना है ताकि वो सही रास्ते पर चल सकें। कहते हैं ना लीड बाय एग्जाम्पल, यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, यू हैव टू शो व्हाट यू डू, यू प्री प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो उस तरह से आपने बिल्कुल सही कही बात। और मैम देखिए एम्पथी की भी कमी आजकल हो रही है बच्चों में, वो थोड़ा सा एंजाइटी का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, गुस्से का शिकार हैं। आप उस चीज़ के लिए बच्चों बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को क्या सलाह देंगे कि वो एक अच्छे तरह से अपने आप को मैनेज करें ताकि पढ़ाई में और अपने खेल कूद में और उन सब चीज़ों में एक समन्वय बना के एक अच्छी तरह से वो अपनी पर्सनैलिटी को निखार कर एक देश के एक भावी सोल्जर की तरह मर्ज करके भारत का जो आने वाला जो 25-30 साल का जो समय है, ये अमृत काल का, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमारे अमृत काल है, 2047 में हम हमारी आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे, तो उस समय हमारे देश का भार इन नौजवान बच्चों के कंधों पर ही होगा। तो इस समय टीचर्स की कितनी अधिक भूमिका है और किस तरह से इस डायरेक्शन में हम बच्चों को मजबूत बना सकते हैं मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे। और वो कहते हैं जो मिलिट्री की एक एक, एक पॉपुलर स्टेटमेंट है कि हमें अपनी रीढ़ की हड्डी मॉरली, फिजिकली और स्पिरिचुअली हमेशा इरेक्ट रखनी है। तो हम अपने अपने देश के युवा की वो रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं? जी, हमारे स्कूलों में आजकल गवर्नमेंट ने बच्चे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक सेल तैयार किया है। जैसे बच्चे जो हैं वो मॉरली और कुछ जैसे आप कह रहे हो कि स्ट्रेस में होते हैं, जहाँ परेशानियां होती हैं उनको, कई बार तो बच्चों को घर की परेशानी होती है, पेरेंट्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पापा शाम को शराब पी के आ रहे हैं और बच्चों मदर्स के साथ झगड़े कर रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर वो स्ट्रेस तो दिमाग में रहती है, वो बच्चा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो मैंने अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में कहती हूँ कि अगर आपको कोई घर की परेशानी भी है, कोई मोहल्ले की परेशानी है, कोई गली की परेशानी है, कोई रस्ते की परेशानी है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ऐसे ही हमारे स्कूल में गाइडेंस एंड काउंसलिंग के सेल बने हैं, तो बच्चे को अलग बिठाकर जो बच्चा हमें परेशान दिखाई देता है, मेरे पास इस समय 200 की स्ट्रेंथ है बच्चों की, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी बच्चा घर में कोई परेशानी होती है उसको, या थोड़ा वो लो फील कर रहा होता है, तो मैं उसे स्पेशल अकेले में बुला के पूछती हूँ कि क्या आपको कोई घर में परेशानी है। तो जिस तरह मैं पूछ सकती हूँ, इस तरह पेरेंट्स भी पूछ सकते हैं, बच्चों की चेंजेस जो है दिमाग की वो सबको दिखाई देती है। और पेरेंट्स को भी चाहिए और टीचर्स को भी चाहिए कि बच्चों को उस तरीके का देखें, इस तरह उनके अंदर झांक के देखें कि बच्चे में दिन ब दिन कौन सी चेंजेस आ रही है और कैसा बच्चा बिहेव कर रहा है, कैसे बोल रहा है। कई बार होती है घर की परेशानियां जो हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम बिजी ज्यादा होते हैं, तो उन चीजों को हम देख नहीं पाते, उससे बच्चे के दिमाग में काफी असर हो सकता है। जैसे आपने बोला कि हमारी रीढ़ की हड्डी को हमने सही रखना है, तो हमारी इस समय पॉपुलेशन जो है वो यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमें इन लोगों को बचाना है, किसी भी तरह से बचाना है, दिन रात मेहनत करके बचाना है, मतलब ड्रग्स से बचाना है, बुराइयों से बचाना है, फोन से बचाना है, और पता नहीं कौन कौन से चैलेंजेस हैं हमारे लिए जो हमने बच्चों को उन चीजों से बचाना है। तो हमने सब ने मिलकर, जैसे पेरेंट्स, टीचर्स और समाज जो है वो सारा मिलके अगर काम करेगा तो हम सोच सकते हैं कि हमारा समाज जो है वो काफी ब्यूटीफुल होगा, अच्छा होगा और हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। मैम एक कहावत आपने भी सुनी होगी अंग्रेजी की कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो पढ़ाई के साथ साथ किस तरह खेल कूद का कितना कितना महत्व है एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बच्चों के। और कुछ पेरेंट्स हैं जो बच्चों को बोलते हैं कि आप पढ़ाई करो, हर वक्त पढ़ाई करते रहो, तो उनको आप क्या संदेश देंगे और उन बच्चों को क्या संदेश देंगे कि किस तरह से खेल कूद और पढ़ाई के बीच में समन्वय बना के, एक बैलेंस बना के वो एक मतलब अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से, तो खेल कूद के बारे में आप कैसे लेते हैं इस चीज को मैम? बेटे जिस समय हमारा टाइम था तो उस समय हमें बस पढ़ाई थी, जब हम खेल का तो हमें पता ही नहीं होता था कि हमने खेलना भी है, हम सिर्फ काम करते थे घर का और पढ़ाई करते थे। आज का समय जो है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें हमें 100 मार्क्स को हमने डिवाइड कर लेना है। कुछ मार्क्स हमारे पास जो है वो एकेडमिक साइड के हैं और 10-10, 20-20 जो है वो
इकट्ठे करके हमने सारी डेवलपमेंट बच्चे की देखनी है. कल्चरल एक्टिविटीज में वो कैसा है, बच्चों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, वो यूनिफॉर्म कैसी डाल के आ रहा है, वो बच्चों में साफ सुथरा दिखाई भी दे रहा है या नहीं दे रहा, और घर से वो कैसे, घर में वो कैसे रहता है, उसका सोने का तरीका, उसका बैठने का तरीका, उसका स्कूल आने का तरीका, वो सारी चीजें हमें नोट करनी है. ये एनईपी की सॉरी पॉलिसीज है. तो इससे बच्चे को हमने खिलाना, खेलने में भी उसका इंटरेस्ट रखना है, और सोशली भी उसको स्ट्रांग करना है, और सबके साथ कैसे बातचीत करनी है, कैसे उसने मिलना है समाज में, और समाज जो है उससे भी उसने बहुत कुछ सीख लेना है. तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें रखेंगे तो हमारी जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो बच्चे की होगी, और बच्चा हर जगह कामयाब हो जाएगा. मैम, एक ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के तहत एक स्टडी हुई थी, उसमें ये बताया कि 45.7% जो ग्रेजुएट्स हमारे देश में जो पढ़ के पास होके निकल रहे हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं, वो जॉब के काबिल नहीं हैं. तो वो उस यूथ को अपना स्किल एनहेंसमेंट करने के लिए आपको क्या लगता है कि स्कूल लाइफ से ही किस तरह का उनके अंदर एक पर्सपेक्टिव बिल्ड, कि सिर्फ एक डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, आजकल बहुत सारे हमारे पास एवेन्यूज अवेलेबल हैं, पेरेंट्स को भी ये शायद चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अपनी अपनी आशाओं को बच्चों पर ना थोपें, उनके टैलेंट को, उनकी हर यूनिकनेस को पहचान के उनको वो बताएं, ताकि एक बच्चे की, जैसे अगर हम सचिन तेंदुलकर को हम अगर मतलब फॉर्मूला वन रेसर बनाते तो शायद वो इतने अच्छे फॉर्मूला वन रेसर नहीं बन पाते. तो इस तरह से आपको क्या लगता है कि टीचर्स को भी क्या ये आइडेंटिफाई करना है, या हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है तो आपको क्या लगता है उससे कुछ चेंज आएगा, और किस तरह का हमारा पॉलिसी में? जी 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 मैम. हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारी रूल्स हैं, जैसे हम उनको फॉलो कर रहे हैं, कि हमारे पास कल्चरल एक्टिविटीज रोज का हमारा कोई ना कोई काम होता है, तो हम बच्चे को देख रहे हैं वो तरह तरह की. एक दिन हमारे यहाँ टाई कॉम्पिटिशन था कि टाइज बनाने हैं आपने, तो आप सोच नहीं सकते कि बच्चों ने गाड़ियां, इतने बड़े बड़े ट्रक, रेले, और पता नहीं चंद्रयान वगैरह तक बना डाला बच्चों ने. तो उन बच्चों को हमने नॉमिनेट किया है, उन बच्चों को हमने अपने लिखित रूप में रखा है कि ये बच्चे जो हैं, ये मतलब इस प्रकार की आर्ट जो है उनके अंदर है, और इनको हमने उधर तक लेके जाना है, अपने जोन में भेजा है, डिस्ट्रिक्ट में भेजा है, जिससे उन बच्चों को काफी मतलब मिलेगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वो आगे जा सकते हैं. इसी प्रकार हम स्कूल में बच्चों को बोलते रहते हैं कि जिस भी चीज में आपका कोई रुझान है, जैसे आप कोई प्लम्बर का काम करना चाहते हैं, जैसे आप बिजली का काम करना आपको पसंद लगता है, उसमें आप टेक्निकल तरीके से तैयार हो जाएं और अपना जो प्रोफेशन है उसको चुन सकते हैं उसमें. तो बच्चे बहुत से ऐसे हैं जो अपना काम करेंगे. तो ज्यादा पढ़ाई के साथ साथ हमें अपना जो अंदर हमारे टैलेंट होता है उसको निकालना हमारे लिए जरूरी होता है. इसलिए सब पेरेंट्स को और खुद भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चे जो हैं वो जो उनके अंदर काबिलियत है वो निकालें और उसके ऊपर काम करें. बहुत अच्छा संदेश दिया मैम आपने. और ये इसके साथ साथ देखिए, ड्रग एडिक्शन का जो एक बहुत ही मुद्दा हर स्टेट में बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा, अखनूर में भी काफ़ी तादाद में केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, और काफ़ी कुछ सुसाइड केसेस भी बच्चों के हमें सुनने को मिलते हैं. एक मैं एसपी सर से जब बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि अखनूर में काफ़ी ज़्यादा सुसाइड केसेस हैं, जबकि यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम उस तरह की नहीं है, डिस्टर्ब्ड एरिया नहीं है. तो आपको क्या लगता है बच्चों को ये ड्रग एडिक्शन और इस तरह के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसे डील किया जाए, उनको किस तरह से गाइड किया जाए ताकि वो सही रास्ते पर आ सके? ये ड्रग एडिक्शन जो है ये तो काफी हमारे सामने, जैसे हमारा स्कूल है 200 बच्चों का स्कूल है हमारा, तो उसमें टचवुड हमें अभी तक कोई ऐसा बच्चा मिला नहीं है. तो फिर मैं सोसाइटी में भी कई बार हमने झांकियां निकाली हैं, बच्चों को लेके गई हूँ, उनको प्रोत्साहित किया है लोगों को कि आपने इन सब चीजों से बचना है. तो इस चीज से बच्चों को बचाने के लिए बच्चों को खुद तैयार होना पड़ेगा. पहले अपने दिमाग में वो चीजें सेट करनी पड़ेंगी कि जो नशा है या कोई ड्रग एडिक्शन जिस बंदे को हो जाती है वो किस तरह से अपने आप को बचाए उसे, और समाज को भी चाहिए कि वो उसकी मदद भी करे. और जैसे बड़ा इजीली अवेलेबल है आजकल, तो हर एक एजेंसी को भी चाहिए, जैसे पुलिस है उसको भी चाहिए, और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे टाउन की है या तहसील की है या डिस्ट्रिक्ट की है, उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि
हर एक बच्चे को इजीली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए ये सारी चीजें। जब इजीली अवेलेबल हो जाती हैं तो फिर बच्चे को घर में वो चोरी भी करेगा, बाहर भी करेगा, घर का सामान भी बेचेगा और अपनी एडिक्शन को पूरा करेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सारे मिलकर ही इसको मुकाने की कोशिश करें, खत्म करने की कोशिश करें, तो फिर ये हो सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं स्कूलों में कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अवेयर करें। हम उनको बोलते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को भी सिखा बताएं कि शराब जो है, जो ड्रग्स हैं, ये इंसान की बॉडी को तो खराब करती ही करती है, लेकिन फैमिलीज भी खराब कर गई हैं, समाज भी खराब करके गई है। तो इन चीजों से सबसे हमने बचना है। ये तो हम रोज के रोज प्रेयर में, मॉर्निंग असेंबली में हम रोज मॉरल लेसन दे रहे होते हैं बच्चों को। तो हम, मुझे उम्मीद है कि बच्चे ये सारी चीजें फॉलो करेंगे और आने वाले समय में बच के रहेंगे इन सारी चीजों से। बहुत बहुत बढ़िया बात कही मैम आपने। जैसे आप अखनूर से बिलोंग करते हैं, तो आजकल आपकी क्या असेसमेंट है कि अखनूर में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या किन चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है सोसाइटी के लिए, और लोगों के अंदर किस चीज़ की जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ग को आगे आके वो उसमें अपना योगदान दे, ताकि हम एक बेहतर समाज की रचना कर सकें। जी देखो जी, हम कोई भी चीज है वो घर से लेते हैं। हमें समाज को बचाने के लिए हर एक चीज को बचा के रखना है। जैसे हम कहते हैं बिजली को बचाएंगे, पानी को बचाएंगे, तो क्या करेंगे हम? बचाएंगे, बाकी वाले वेस्ट करेंगे। तो हमें दूसरों को भी देखना है। मेरी जो सोच है, मैं वह कहती हूँ कि हमने जो काम भी करना है वो खुद करना है, दूसरों को नहीं देखना कि दूसरे क्या कर रहे हैं। सफाई अगर हम रखते हैं तो आपने पूरे मोहल्ले में सफाई रखें। अगर हम बिजली बचा रहे हैं तो बिजली मोहल्ले में भी देखें कि कोई फालतू में तो नहीं चल रही है, फालतू में तो वेस्ट तो नहीं हो रहा हमारा, कोई ये नेचुरल चीजें जहाँ मैन मेड चीजें जितनी भी हैं वो खत्म तो नहीं हो रही हमारे दुनिया से। तो हमने इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कोई गाड़ी चलाते हैं हम, तो गाड़ी चलाते चलाते उसका स्पीकर कई बार हम देखते हैं, छोटे छोटे ऑटो होते हैं तो इतने जोर जोर से स्पीकर लगाए होते हैं, तो वो कितनी बार किसी को मना करेगा। हमने खुद ही उस चीज को अपने दिमाग में रखना है कि कौन सी चीजें हमारे लिए अच्छी हैं और कौन सी बुरी हैं। तो सारी चीजों को सामने रखते हुए हम एडमिनिस्ट्रेशन को ही सारे इल्जाम नहीं दे सकते कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही। हमने कभी गाड़ी खड़ी करनी है तो भी हम सही जगह देख के गाड़ी खड़ी करें। हमारी एक गाड़ी गलत खड़ी करने से पूरे यहाँ अखनूर में आजकल घंटों घंटों जाम लग रहा है। तो उन चीजों को देखते हुए मुझे अफसोस लगता है कि हम पढ़े लिखे लोग होके भी, आजकल तो इतने अनपढ़ लोग हैं नहीं, लेकिन अपनी कन्वीनियंट के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए वो दूसरों को इस्तेमाल करते हैं और दूसरों का जो कीमती समय है उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा सोचना है, मेरा कहना है कि हम दूसरों को ना इल्जाम लगा के हम खुद अपने ऐसे काम करें जो समाज को हम कुछ ना कुछ दे सके। बिल्कुल सही बात। तो इसके साथ मुझे एक छोटी सी कहानी जो मुझे याद आ गई आपके संदेश से, कि एक बार जंगल में क्या हुआ, आग लग गई, तो सभी जानवर जंगल से नदी की तरफ भागने लगे ताकि आग से अपने आप को बचा पाए। इसी बीच एक छोटी सी चिड़िया थी, वो क्या करती है, नदी में जाती है, चोंच में पानी लेके वापस आके आग बुझाती है। तो वो ऐसी कोशिश कर रही है, तो बाकी जानवर देख के हैरान हो रहे हैं कि ये चिड़िया का दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गई है, इसकी चोंच से कहाँ जंगल की आग बुझेगी। तो फिर क्या हुआ मैम, कि एक लोमड़ी ने, उसे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया चिड़िया को कि चिड़िया तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी चोंच से जंगल की आग नहीं बुझेगी? तो जो चिड़िया का जवाब था वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चिड़िया ने कहा कि मुझे भी पता है कि मेरी चोंच से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में से आएगा, ना कि आग भागने वालों में। तो आपका वही संदेश कि हमें अपने बारे में सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। वो जॉन एफ कैनेडी का वो स्टेटमेंट है कि यू शुड थिंक व्हाट कैन यू डू फॉर द कंट्री, नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू। सो हम सबको ये मिलके ये कोशिश करनी है कि हम देश के लिए अपना योगदान दें एक ईमानदारी से, कीपिंग आवर हार्ट एट द राइट प्लेस, सो दैट वी कैन इंश्योर कि हम अपने एक अच्छे समाज की, जो भारत हम बनाना चाहते हैं, एक विश्व गुरु जिसको हम कहते हैं बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम 150 करोड़ लोगों को अपने दोनों हाथ मजबूत करके 300 करोड़ की पावर से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम इस हमारे देश को एक सोने की चिड़िया फिर से बना पाएंगे। तो मैम, जाते जाते एक
बच्चों को कुछ आप संदेश देना चाहेंगे, आपकी कोई कविता जो आपको प्रिय हो, कविता के जरिए आप कोई संदेश जो बच्चों को देना चाहें तो। जी, मुझे ना गीता में से एक कृष्ण जी का छोटा सा श्लोक है, याद याद भी नहीं है, मैं ऐसे मुझे भूल जाता है तो फिर मैं लिख के रख लेती हूँ अपने पास। जी तो श्री कृष्ण जी ने साफ कहा है, श्री कृष्ण जी ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा वह आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा वह आज नहीं हर तो एक कल संकट का कल होगा। तो यही संदेश है बच्चों को, बच्चों को यही संदेश है कि आप ये मैसेज लेके आगे बढ़े, होगा, आप अपना कर्म करते जाएं। हाँ अपना कर्म करें, आगे बढ़ें और किसी भी मुसीबत को अपने से बड़ा ना आंके। बिकॉज हमारे अंदर एक अभूतपूर्व, एक क्या कहते हैं, क्षमता होती है, हमें उसको पहचानने की जरूरत है। तो मैम एक आखिरी संदेश कुछ बच्चों को आप बताना चाहें जो अभी भटक रहे हैं, सही रास्ते पे उनको लाने के लिए आप छोटा सा कोई संदेश देना चाहें जो। अपने यंग जनरेशन को यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना काम सही तरीके से करें, ईमानदारी से करें, और जो भी आपको मुश्किल आती है वो अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, जो आपका कोई अच्छा दोस्त है, और पेरेंट्स को सबसे बड़ा दोस्त बनाना है आपने। पेरेंट्स हमेशा अच्छे दोस्त होते हैं आपके, जो भी आपको मुश्किल आए वो अपने पेरेंट्स से करें, शेयर करें, तो हमेशा आपको हल मिलेगा। और जो भी आपके अंदर अगर बुराई, कोई ऐसी आदत आपके अंदर पड़ गई है, तो आप अपने पेरेंट्स को सुना के आप उनको हल कर सकते हो, उससे छुटकारा पा सकते हो। आप अपने मॉरल वैल्यूज को जिंदा रखें और अपने देश को आगे ले जाने में अपना छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य करें, जिससे आपका देश, आपकी सोसाइटी, आपका घर अच्छा हो, अच्छा बन सके, जिससे हम अपने देश को आगे ले जा सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों ये थे मैडम प्रिंसिपल सरबजीत कौर, हु हैपन्स टू बी माई मदर ऑल्सो। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस जीरो पॉडकास्ट, एंड विद योर ब्लेसिंग्स वी विल बी स्टार्टिंग आवर पॉडकास्ट सीरीज ऑन 27th of December, 1900 आवर्स। और दोस्तों ये आपको, ये उन्होंने जो संदेश दिया है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, सही रास्ते पे चलें, अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त बनाएं, और कोई भी गलत रास्ते पे चलने से पहले अपने अंदर के अंदर झांके, आपको जवाब मिल जाएगा, और अपने आप को मजबूत बनाएं। बिकॉज आप यूथ हैं देश का, आपके अंदर वो ताकत है जो देश का भविष्य बदल सकता है। तो जाते जाते रविंद्रनाथ टैगोर जी की दो पंक्तियां, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। So let our country awake to heaven and freedom, and let us all contribute in whatever way we can. So this is our this, that's all for today. Hope to join you and see you in our next podcast with Lieutenant Colonel Narendra Singh Thakur, who happens to be an NSG commando. So ladies and gentlemen, thank you so much for joining us. Thanks a lot. Okay. Thank you, Okay. ma'am. God bless you. Thank you, ma'am. God bless you. Thank you. Okay. Okay.